जब आपके आसपास खूबसूरत लोग हो तो आपकी ज़िंदगी गुलजार हो ही जाती है। इस समय हमारे साथ दो ऐसे ही खूबसूरत लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी गुलजार करने आ रहे हैं। एक है डॉक्टर मिली और एक है प्रिंस विक्रम सिंह राठौड़। सही है? सही है, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है। तो ये बताइए, आप लोगों की ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए एक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया है, और ज़िंदगी को गुलजार बनाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक चीज़? Why don't you start? आपकी ज़िंदगी को क्या खूबसूरत बनाता है? The people in it. आपके इर्द गिर्द जो हैं खूबसूरत लोग हों। जब खूबसूरत की होने की बात करता हूँ, खूबसूरत लोग की बात करता हूँ, तो बज़ाहिर खूबसूरती की बात नहीं सिर्फ कर रहा, वो तो दैट इज़ जस्ट लाइक एस एन एडेड थिंग। Temporary also. And it's temporary as well, yeah. But खूबसूरत रवैये और खूबसूरत एटीट्यूड, खूबसूरत पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं, आई थिंक दैट इज़ वट मेक्स लाइफ द मोस्ट ब्यूटिफुल। ऐसे लोग मिलना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नेमत है। इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग टू हैव सच पीपल इन योर लाइफ। सो मैं इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक यू नीड टू हैव अ पीपल हु लव यू, जो आपसे प्यार करते हैं, और जो जिन लोगों को आप प्यार करते हैं। आई थिंक वेदर इट्स योर मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, बॉयफ्रेंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, सन, यू हैव अ सन, आई थिंक ये सब आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। तो हाँ, लोग, आपका काम, आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। आई एम मैरिड टू माई जॉब, तो फॉर मी दैट इज़ समथिंग दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और इस फिल्म में आप डॉक्टर मिली हैं और आप प्रिंस हैं जी। तुम प्रिंस बिल्कुल नहीं लगते। ये तो मेरा डायलॉग है जो मैंने मार दिया मौके पे, चौका। सुपर्ब। शक्ल पे लिखवा के आना चाहिए। तो ये बताइए कि किस चीज़ का इलाज कर रही है ये डॉक्टर? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं एक्चुअली इनके लाइफ में आती हूँ इनके फादर को, फादर का इलाज करने। पर मैं इनका माहौल देखती हूँ, मैं बोलती हूँ कि यार ये तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिप्रेसिंग है, किसी से कोई बात नहीं करता, सब अपने में ही रहे हैं, अपने में ही, अपने काम में ही मतलब घुसे हैं, कोई मतलब देयर इज़ नो हैप्पीनेस, कोई खूबसूरती नहीं है इनकी ज़िंदगी में। तो ये बंदा ठीक कैसे होगा? एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक शी फॉल्स इन लव विद हिम। और आप प्रिंस हैं, जो कि मिली के शब्दों में कहूँ तो अच्छा है लेकिन बहुत गलत है और सड़ियल है। तो ऐसा क्यों है ये प्रिंस? आई थिंक There's a bit of a background in the story, जो कि आगे जाके कहानी में पता लगता है कि कुछ ऐसा हुआ होता है इनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से शायद सबके सब इतने सीरियस हो जाते हैं। और बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक एक अंदर जो होता है ना, एक छोटा छोटा बच्चा हर किसी के छुपा हुआ होता है, तो शी हेल्प्स ईज दैट चाइल्ड आउट, वो बाहर निकाल लेती हैं उस बच्चे को। और दूसरी बात यह है कि बहुत जो लाइफ के बारे में, काम के बारे में बहुत एम्बिशियस आदमी है ये, एंड ही इज़ रिजर्व्ड, ही इज़ क्वाइट, बट ही नोज व्हेन टू स्पीक, हाउ मच टू स्पीक। बहुत ज़्यादा बात को तोल के बोलता है। ऑनेस्टली बताइएगा, असली ज़िंदगी में ऐसे कभी कोई कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले हैं जो मिली आपको इस फिल्म में दे रही हैं? क्या कि गंदे गंदे ख्याल आते हैं? वो तो मैं ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि आपके बहुत सारे अकाउंट को देख कर तो यही लगता है। नहीं, जो ये कॉम्प्लीमेंट्स आपको देती है, आप सड़ियल हो, ये हो, ऐसे ऑनेस्टली बताइए। ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट सुना हो या कि सड़ियल हो? कमेंट्स हो गए।